बच्चों, आज हम वितान भाग दो पाठ दो जूझ कहानी की व्याख्या समझेंगे। इसके रचनाकार हैं आनंद यादव। यह मराठी कहानी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। यह किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यधिक विश्वसनीय जीवंत कथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में बच्चे को पढ़ने की लालसा लिए आगे बढ़ने की एक उत्कंठा देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की अकुलाहट भी उसमें सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस जूझ कहानी में इसका नाम जूझ ही क्यों रखा गया। जूझ यानी जूझना। हर व्यक्ति अपने परिवेश में अपनी परिस्थितियों से लगातार जूझता रहता है और इस बात की भली भांति उसे जानकारी होती है कि जूझने की यह प्रक्रिया एक दो दिन की नहीं होती। जब तक जीवन है यह जूझने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इस कहानी के अंश के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आनंदा और उसका परिवार, इसको जाने बिना हम उसकी जूझ को समझ नहीं सकते। आनंदा के परिवार में उसके दादा यानी पिता और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दादा अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे। दादा सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा सातवीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक न चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, जो गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार है, जिनकी बात का स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझा कर राजी कर सकते थे। यह बात भली भांति वे दोनों जानते थे। देखा जाए तो दत्ताजी राव का व्यवहार भी इस कहानी को नई दिशा देने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिखकर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उसके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ता जी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। शेष भाग की व्याख्या हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।